न्यू बोलर चार दिन की रौनक बंदे ओ, चार दिन की रौनक बंदे और कर ले जो है करना और फेर बुढ़ापा पेरी आवे दुख पड़ जाता भरना हो टटती कोन्या हे टटे ते भी टटती कोन्या दिल की जाल तेरी रंग रूप की ताकत घट जा आई साल तेरी हो रंग रूप की ताकत घट जा आई साल तेरी और नैन कटी ले अदा कसूती नारे चाल तेरी दो दुनिया के दो दिन पछे सुकड़े खाल तेरी ओ दो दिन आए दो दिन पछे सुकड़े खाल तेरी फिर हाथ पैर तेरे काम करना हो हाथ पैर तेरे काम करना रहो तुझे कसरना फिर बुढ़ापा पैरी आवे दुख पड़ जाता भरे इस रागनी पर खुश होकर के परम आदरणीय बड़े भाई पांचाल साउंड सर्विस से जो कि आज अपनी सेवा हमें सभी जनता जनार्दन को दे रहे हैं भाई ओम प्रकाश पांचाल जी गांव बामनी खेड़े से वो 101 रुपए अपनी शुभ और नेक कमाई से हमारी पार्टी को आशीर्वाद के रूप में देते हैं। मैं पांचाल भाई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। झाल डांटे से नहीं घटती क्योंकि मन चंचल होता है, इधर उधर भटकता है, आदमी के ख्यालात भटकते रहते हैं। लेकिन अगर इस पृथ्वी पे इस धरती पे जीना है, समाज के बीच रहना है, तो मन को स्थिर करना पड़ेगा। किस प्रकार से अगली कवि के कली के माध्यम से क्या बता दिया वाला? सबे जवानी उम्र में माता पिता सबे भाई प्यार करे आओ भगत और उठ बैठ सभी रिश्तेदार करे हो आओ भगत और उठ बैठ सबे रिश्तेदार करे एर कमा कमा के ना ल्यावे तो सब तकरार करे ब्याही नारे और बेटा बेटी तन घर ते बाहर करे हो ब्याही नारी और बेटा बेटी घर ते बाहर करे भला पौड़ी में तेरी खाट गाल दे हो पौड़ी में तेरी खाट गाल दे राती खण दे न करना फिर बुढ़ापा पेरी आवे दुख पड़ जाग ओ हो हा हा।
दूसरी कली के माध्यम से बताया कि जवान उम्र में मात पिता सब भाई प्यार करें, जब तक शरीर के अंदर ताकत होती है, जब तक शरीर के अंदर बल होता है, जब तक सब प्यार करते हैं। लेकिन ये शरीर ही ऐसा है कि जब इसको इसकी जवानी डल जाती है, जब इसका रंग रूप डल जाता है, कोई देखने के लिए तैयार नहीं होता। यहां तक कि बड़े बुजुर्गों को जल्दी से कोई पानी देने के लिए और हुक्का भरने के लिए भी तैयार नहीं है। और किस तरह के बोल आगे लिखते हैं, क्या बता दिया भला, तरह तरह के रोग जो करते हो, देले वंगे घेरी सारा कुणबा कया करे कदे राड कटे ना तेरी, सारा कुणबा कया करे कदे राड कटे ना तेरी, और दो तीन आखे दो तीन पाछे काल करे घेरी, बांध जुड़ के तने उठा ले फिर ना ल्यावे देरी हो, बांध जुड़ के तने उठा ले ना ल्यावे देरी, फिर चिता बना के आग लगाते हो, चिता बना के आग लगाते रोता नंगे ना डरना, फिर बुढ़ापा पेरी आवे तुम पर जा सबरे, जीवन में ऐसा बुरा वक्त आएगा, तेरी उम्र ढल जाएगी, तेरा रूप रंग, तेरी जवानी, तेरी शोहरत सब खत्म हो जाएगा। ऐसा जमाना आएगा तू पड़ा पड़ा खाट में तरसेगा, कोई पानी देने के लिए तुझे तैयार नहीं होगा। इस तरह के भाव मान्य कवि महोदय पंडित शिवलाल जी ने लिखे हैं, ये आर्य समाज का भजन है। और आगे बताया है कि अब तेरा इस जीवन में कैसे उतार हो सकता है, कैसे तेरा मान सम्मान हो सकता है, कैसे तेरी इज्जत हो सकती है, बताया। और क्या बता दिया भला एक बात के माध्यम से, और रण भक्ति अरी दान करया कर, हे रण भक्ति अरी दान करया कर, नुकसान तेरा कर्म करया करी ठीक जगत में जब हो मान तेरा हो, कर्म करया करी ठीक जगत में जब हो मान तेरा, ए समझावन का मेरा फर्ज दिखे, समझावन का मेरा फर्ज इब आके ध्यान तेरा, शिवलाल गुरु ते जा कहना यो अच्छा ज्ञान तेरा, शिवलाल गुरु से जा कहना यो अच्छा ज्ञान तेरा, भला दुनियादारी ने छोड़ चलता हो, दुनियादारी ने छोड़ चला जाना हो, एक दिन मरना फिर बुढ़ापा पेरी आवे, चार दिन की रौनक बंदे ए कर ले जो है करना, फिर बुढ़ापा मेरी आवे दुख पड़ जा का भरे